गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्ले लाइफ स्टाइल ब्लॉग में। सो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम फिट एंड फाइन हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी किचन से। तो आज भतीजी की डिमांड थी कि बनाने हैं आलू के पराठे। दो तीन दिन से डिमांड कर रही थी बट मैं टाइम नहीं हो पा रहा था। तो आज मैं सुबह नाश्ते में बना रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया है 8 बजे, तो लेट का स्कूल है। तो मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। तो जल्दी से मैं सारी प्रोसेस कर लेती हूँ। आलू को मैं मीस लिया है उबालने के बाद, इसमें मसाले वगैरह मिलाने के बाद, हरी मिर्ची वगैरह। तो उसके बाद मैं पराठों को बनाऊंगी। पता है बहुत लोग कहते हैं मुझसे कि हम लोगों के आलू के पराठे ना फट जाते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से आलू के पराठों में आलू को भरा जाए और किस तरीके से फिर इनको बंद करते हैं, जिससे आलू के पराठे नहीं फटते। फर्स्टली हमको लोई लेनी है, फिर उसको डीप दिए की तरह डीप कर लेना है, फिर उसमें आलू भरने के बाद चारों कोनों को मिलाने के उसको दे देना है गोल शेप। उसके बाद उसको ना फिर से चपटा करना है, हाथों से उसके किनारों को दबाना है, ये नहीं कि बीच को दबाना है। फिर उसके साइड के किनारों को दबाने के बाद उसको बेल के वो फटता नहीं है। तो इसी सेम प्रोसेस हमें सारे आलू के पराठे बनाने में करने हैं, जिससे हमें ना जल्दी भी पराठे बन जाते हैं और पराठे फटते भी नहीं है। मोस्टली यही प्रॉब्लम रहती है कि लोगों के आलू के पराठे फट जाते हैं, आलू बाहर निकल जाता है। तो आपको इसी तरीके से करना है। आलू भरने के बाद उसे साइड से हाथ से दबा के पहले पतला कर लेना है, फिर उसके बाद वो अच्छे बनते हैं। देखो मेरे आलू कभी भी फटता नहीं है, आलू का पराठा प्रॉपरली बनता है। तो आलू के पराठे बनाने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़े धोने और झाड़ू वाड़ू। आज मेरे नाश्ता बनाने में देर लगी थी तो दीदी ने झाड़ू लगा दिया है। तो मैं जल्दी से अपने कपड़ों को धो लेती हूँ। उसके बाद जानवरों का जो भी होगा चारे पानी का काम वो करना है, तो मैं जल्दी से धो लेती हूँ कपड़े। मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, तो चलते हैं जानवरों के वहाँ। तो जानवरों को पानी सुबह ही पिला दिया था। अभी ना 8, 8:30, 9 बजे का टाइम हो गया है, तो मैं जानवरों को नहला लेती हूँ जल्दी से। और इसके बाद दीदी ने बोला था कि घास लेने आना आजकल, क्योंकि वो जरा ना भारी घास आ रहा है, तो घास लेने जाना आधे रास्ते में। तो मोबाइल फ़ोन तो लेके नहीं जाऊँगी, लेकिन कभी ऐसा होगा कि फ़ोन में बैटरी होगी या ऐसा होगा कि बेटा फ़ोन नहीं मांगेगा, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी कि घास लेने आधे रास्ते में जाना पड़ता है। तो वो भी जब जाऊँगी वही सूट करूँगी। फिर दोनों के सर में आधा आधा गट्ठा रहता है, तो फिर क्या ही सूट कर पाएंगे। लेकिन किसी दिन मैं दिखाऊंगी कि आधे रास्ते में घास लेने जाना पड़ता है। और मैं जानवरों को नहला रही थी, कपड़े धोती, तो ईजा ने बोला कि घास मैं काट देती हूँ और तू घास लेने चले जाना। तो घास काटने आज ईजा गए हैं, मैं नहीं गई हूँ, मैं नहीं गई और ना ही मैं जाऊँगी। तो शाम के टाइम में मैं जाऊँगी घास काटने। तो मैं जल्दी से निपटा लेती हूँ अपना काम। उसके बाद मेरे को नहाना है और फिर घास लेने जाना है।
सो फ्रेंड, मैंने ना आज उसके बाद का कुछ भी सूट नहीं किया था। अभी शाम की टर्न आ गई है, जानवरों को पानी वानी देने के बाद सारा काम हो गया है। दीदी गए हैं पड़ोस में, किसी के यहाँ पराल रखना है वहाँ, तो मैं जानवरों को लगा लेती हूँ धुआं। हेलो गाइस, रुक जा। ये तो जंप मार दिए ना। ये भी आ गई लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम है इसका। ये भी आ गई। क्या नाम है इसका? लक्ष्मी। लक्ष्मी है। हाँ। और जिसको आप पकड़ रहे हो, प्यार से पकड़ो, प्यार से, अच्छे से। हाँ, इसका क्या नाम है? इसका नाम हाँ चंदू। चंदू। हाँ। और उसका नाम? सोना। उसका नाम सोना। हाँ। अच्छा, वो देखो डांस कर रही है। डांस कर रही है, तो खेल रही है वो आपके संग। चलो, मुझे लेट हो रही है, मुझे घास काटने जाना है। ठीक है, बाय। इसके बाद मैं गई घास काटने, उसके बाद आके निकाल रही हूँ दूध। तो ये मेरा घास भी कट चुका था, दूध निकालने से पहले मैंने घास काट लिया था और दूध भी मेरा निकल चुका है। अभी मैं फिर से आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। हाँ, हमारा रामू भी खेत में बदा हुआ है। रामू जंप मार रहा है और वो सारी बकरियाँ खेत पे हैं। खेत देखिए, आजकल पूरे खेत खाली खाली। अभी एक चीज़ दिखाऊँ, जीरा चांद। अभी ना पता है कितना बज रहा है, अभी 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और चांद देखो, चांद आ चुका है। ठीक है, अभी इतना उजाला ही हो रहा है। आखिर क्यों ये चांद करवा चौथ के दिन लेट आता है, किसी को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। शायद उस दिन हमारी अग्नि परीक्षा होती है, इसलिए लेट आता है। ये देखो, अभी इतना उजाला है, फिर से दिखा रही, क्योंकि उस दिन ना लेट आता है, तो रोज़ रोज़ आजकल जल्दी चमक रहा है ना चांद, इसलिए मैं रोज वीडियो में डाल रही हूँ कि चांद इतनी अभी जल्दी आ रहा है। और आज कितनी तारीख है? तो आज है 25 तारीख, 25। और कुछ दिन बाद ना, 4-5 दिन बाद ये चांद इतनी देर में आएगा ना, क्या ही बताऊँ आपको मैं। अभी इतना उजाला ही हो रहा है, 5:30 बजे का टाइम हो रहा है अभी और चांद आ चुका है। और 1 तारीख को है करवा चौथ, और उस दिन पता नहीं 4-5 दिन बाद पता नहीं क्या ही हो जाता है, चांद को 9 बजे तक नहीं आता है। सूरज तो अस्त हो चुके हैं, क्योंकि 5:30 बज चुका है, मतलब मैक्सिमम 4:30-5 बजे से मतलब चांद दिखाई दे रहे हैं। मतलब मैं शाम के टाइम को ध्यान देती हूँ ना, तो दिखाई दे रहे हैं। अभी तो पता नहीं, साफ नहीं आ रहा अभी, पता नहीं क्यों, जो भी दिक्कत हो रही है। मैं बकरी को ले जाती हूँ जल्दी से। रामू रामू रामू, हेलो गाइस, कह दे रामू मारेगा। हाँ मारेगा। हाँ रामू, ले 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 रामू, जम रामू गुस्से में। अभी रुक, मैं तेरी रस्से खोलती हूँ। ये सो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की वीडियो। रस्से खोल दो, मारेगा हार्दिक हटना, मारेगा तुझे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अरे किल्ला उखड़ गया। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसने मुझे खींच दिया।